हरियाणा हिमाचल का आज रथ पहुंचा है पुन्हाना में। पुन्हाना मेवात का ही एक हिस्सा है और यहां पर तमाम जनता और नेता जो यहां के हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सत्तारूढ़ दल भाजपा की तरफ चलता हूं, उनसे बात करता हूं। हम क्यों वोट डाले भाजपा को यहां की जनता? ये एक ऐसी सरकार है, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे लोगों को नौकरियाँ दी हैं, चाहे लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ लेके गए हैं, लोगों को बिजली पानी की जो किल्लत थी उस पर बेहतरपूर्ण वो किया है, बस स्टैंड का निर्माण उन्होंने कराया है, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भाजपा सरकार ने किए हैं। जननायक जनता पार्टी की तरफ चलते हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह इन्होंने का मूलभूत सुविधाएं सही किया, पानी बिजली को लेकर कहने, आपको क्या लगता है? सरकार दावा करती है कि 24 घंटा 18 घंटा बिजली देने का दावा करती है, लेकिन सरकार का दावा खोखला है और इसने यहाँ पर 7-8 घंटे ज़्यादा बिजली नहीं दी है, कभी आती है कभी नहीं आती, हर गांव में बुरी हालत है और पानी की स्थिति है कि यहाँ पर सरकार ने रेनवेल प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, 2005 से चलाया है, इसके दो बड़े चैम्बर हैं, उन्हें बोलते हैं ये इंटरमीडिएट बूस्टिंग स्टेशन बोलते हैं, आज 2005 से लेकर आज तक उन चैम्बरों की सफाई नहीं हुई है, गांव में पीने का पानी नहीं आता है और गांव में जो चैम्बर बनाए हुए हैं वो अभी तक बिजली से कनेक्ट नहीं किए हैं, पानी से कनेक्ट नहीं किए हैं। कांग्रेस जो कि 10 साल वो भी सत्ता में रही है, क्या लगता है पुन्हाना की मुख्य समस्याएं क्या है जिनको लेकर जनता वोट करेगी? आप याद करें पिछले 10 साल कांग्रेस को, ये मंडलगढ़ मेडिकल कॉलेज जो 700-800 करोड़ रुपये में तैयार हुआ था वो कांग्रेस ने बनाया था, ये जहाँ आप खड़े हैं बस अड्डा ये कांग्रेस की देन है। ITI सबसे बड़ी ITI जो हरियाणा की यहाँ जो इन्होंने मरोड़ा गांव में दी है, JBT कॉलेज 5 साल में मैं समझता हूँ BJP ने यहाँ कोई विकास का कोई काम ही नहीं किया। बिल्कुल, जनता भी साथ है, कुछ लोगों से भी सवाल जवाब इस मामले में जरूर करेंगे। जी, BJP ने बहुत बढ़िया काम करो जो भी यहाँ पर करा, और बढ़िया ही हो रहा, सड़क भी ले, लड़कियों की पढ़ाई ले, हर तरीका से, जो आज मेवात में इतनी लड़की पढ़ रही हैं, पहले कौन पढ़ा रहा हो, कोई ना पढ़ा रहा, बस ऐसे ही, अब जानना से BJP सरकार आई है, बढ़िया, मतलब पढ़ाई वढ़ाई एजुकेशन एकदम बढ़िया है, सोच वगैरह सब नौछम चौधरी जो हैं बढ़िया हैं, इसकी वजह से और ज़्यादा मेहनत कर रही है। अजी पंजाब हरियाणा का रथ यहाँ पहुँचा और जो हम तमाम हरियाणा में घूम रहे हैं, हमारे साथ तमाम नेता भी मौजूद रहे, अपने अपने जीत का दावा सबकी तरफ से किया गया है, देखना होगा जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है। प्रदीप चहल के साथ नितिन धीमान, Zee Media पुन्हाना।